तहसील परिसर आगरा में धनगर समाज संघर्ष समिति का विशाल धरना प्रदर्शन था और धनगर प्रमाण पत्र की ये सब लोग मांग कर रहे थे। अधिकारियों ने किस तरह का आश्वासन दिया है? इस समय मेरे साथ में समिति के महाराज सिंह धनगर हैं। सब किस तरह का आश्वासन आपको मिला है अधिकारियों की तरफ से, क्या कुछ बताया उन्होंने? ऐसा है, हम लोग SDM साहब से मिले, SDM साहब ने जो बिंदु बताए थे, जिस वजह से वो रोड़े अटक रही थी कि जब शासनादेश में क्लियर है कि गड़रिया जाति की दो उपजाति है, नी करो धनगर, तो वो नी कर का कैसे वो करें, उन्होंने कही। हम लोगों ने एक आश्वासन ये दिया कि हमारे पड़ोसियों से आप एफिडेविट ले लें, दो लोगों से, हम तो दे ही रहे हैं कि हम धनगर हैं, मगर हमारे पड़ोसियों से एफिडेविट ले लें, उसके बाद हमारा जारी कर दें। तो SDM साहब इस बात को मान गए कि ये बात सही है। मुजफ्फरनगर का जो एक आदेश आया है, उस आदेश की कॉपी भी उन्होंने ले ली, बोले बस यही आदेश है, इससे में कुछ हमें रद्दो बदल करनी होगी, वो रद्दो बदल करके हम लोग मंगलवार तक सब तहसील जितने लेखपाल हैं सब लेखपालों को रिपोर्ट लेंगे उनसे, वो क्या और कह रही है। उसके बावजूद शाम के टाइम हम लोग बुधवार के सुबह ही और हम एक आर्डर जारी करेंगे कि इन लोगों के सर्टिफिकेट जारी किए जाए इन बंधुओं पर जांच करके। अभी अभी आपको भरोसा है, क्योंकि पहले भी अधिकारी इस तरीके से आश्वासन देते रहे हैं, लेकिन शासन के आदेश की अवहेलना निरंतर होती रही है। 24 तारीख से लेके आज 2 तारीख तक लगभग एक महीना से ज़्यादा समय हो गया और आश्वासन ही मिल रहे हैं, प्रमाण पत्र जारी नहीं हो रहे हैं, तो भरोसा है इन पर? नहीं, अब हम बुधवार तक तो भरोसा करेंगे, बुधवार के बाद में हमारी समाज की जनता का खून ठंडा नहीं हुआ है, हमारी जितनी समाज है वो भी गर्म है। अगर बुद्ध को नहीं, बृहस्पति को फिर चालू। और रही आचार संहिता की बात, मैं एक बात और बता दूं, सर्टिफिकेट में कोई आचार संहिता नहीं है, हम आचार संहिता में भी करेंगे इस काम को। अगर माने SDM साहब हमारे साथ अगर धोखा करते हैं कि बुधवार को ऐसा ऑर्डर नहीं देते हैं या ऐसा ऑर्डर नहीं पास करते हैं, तो फिर आंदोलन के लिए हम फिर तैयार हैं, हमारी जनता तैयार है हमारे साथ में। SEIO के चेयरमैन का एक बयान आया है कि वो एक फाइटर प्लेन और गिरा लेंगे तो चुनाव तो वो वैसे ही जीत जाएंगे, तो क्या मानते हैं मुड़ी चौराहा से, इस मंच से ये बयान कितना, क्या मानते हैं कि वोटों की जरूरत नहीं है क्या भाजपा? ये वो बहुत गलत फहमी में, ये गलत फहमी निकाल दे, क्योंकि प्लान मां गिर रहा है, चुनाव लड़ रहे हैं आगरा से और आगरा की जनता का खून बहुत गर्म है, खासकर धनगर समाज का। वो आपको 19 में सबक सिखा देगी एक डेढ़ महीने में ही, ज़्यादा टाइम नहीं है। तो जे दिमाग में से निकाल देगा प्लान गिरे या उठे, धनगर समाज को कोई मतलब नहीं है, धनगर समाज अभी सर्टिफिकेट लेने के लिए तैयार। आदेश, एक आदेश उन्होंने कर रखा है, धनगर वाला आदेश कर रखा है, उसको अभी वापस नहीं लिया है, तो क्या मानते हैं आप, अधिकारी अभी इस पे हाथ रखेगा? नहीं, कोई अधिकारी नहीं, क्योंकि दो आदेश तो पहले हो चुके हैं। आयोग ने आदेश कर रखा है 23 जनवरी का, 24 को आपका क्लेरिफिकेशन हुआ, तो एक दिन पहले जो आदेश कर रखा है, क्या मानते हैं SEIO के आदेश की अवहेलना करेगा प्रशासन और ये आपको प्रमाण पत्र सरल तरीके से दे देगा? ऐसा है, जब शासन ने, प्रशासन ने ये बात तो हमसे कही है, उसने तो हमसे कोई ऐसी बात नहीं कही है कि आयोग ने आपके लिए जे और दे दिया है पहले इसे कराओ, ऐसी तो कोई बात नहीं कही है। प्रशासन ने ये भी बात कही है कि सरकार की मंशा है कि सर्टिफिकेट आपके बनने चाहिए और हम लोग बनाने के लिए भी तैयार हैं, बस जो जो समस्या है वो 4-5 जितनी भी आपकी जांच होंगी वो जांच सिंपल जांच होंगी, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि गड़रिया नीकर और धनगर गड़रिया है, बस वो वाली जांच करनी है उन्हें और कोई जांच नहीं करनी है। लेखपाल निरंतर अभी जो भी आवेदन हो रहे हैं उनको निरस्त कर रहे हैं, वो रिपोर्ट नहीं लगा रहे हैं, लेखपालों के लिए क्या कहना चाहेंगे, मानेंगे लेखपाल? ऐसा है, अभी वर्ग का लेखपाल खास करके वो ज़्यादा समस्या खड़ी कर रहा है। ऐसा है, अभी जो नेट से जिन लोगों ने सर्टिफिकेट डाले है तो उन्हें कुछ लिखने की जरूरत नहीं होती है, यस या नो करना पड़ता है, ठीक है। ये वो बता रहे थे हमने कि हम लोगों ने सर्टिफिकेट भी डाले और उस पर दो बात कह के और कैंसिल हो जाता है, बोले नहीं उसमें कोई और चीज़ चढ़ नहीं सकती है, इस वजह से हम लोग नेट पे भी एक जियो डाले, क्योंकि सर्टिफिकेट नेट से चाहिए, जांच हम आपकी वैसे कर लेंगे, सर्टिफिकेट आपको हम नेट से ही देंगे। ऑफलाइन करेंगे पहले? हाँ, ऑनलाइन देंगे, पहले ऑफलाइन करेंगे उसके बाद ऑनलाइन करेंगे। हाँ, ऑफलाइन जांच हो जाएंगी, क्योंकि उसमें कॉलम नहीं होता है कि जांच का कोई कॉलम है कि उसमें डालें, इस वजह से
सर्टिफिकेट नेट से ही निकलवा के देंगे, वो जांच जरूर करवा लेंगे। क्या कहना, क्या कहना, क्या लगता है आपको अब यहाँ से आगे जो भूमिका बनी है वो सहज तरीके से पूरी हो पाएगी और जो आपके धनगर समाज को जो न्याय है वो मिल पाएगा? देखिए, पहले क्या बातें हुई हैं प्रशासन से किन लोगों की, ये सभी लोग अवगत हैं, मगर जो आज का जो आश्वासन प्रशासन ने दिया है वो मुजफ्फरनगर वाले सर्टिफिकेट के अनुसार दिया गया है। बहुत से उसमें बिंदु जोड़े गए हैं, जैसे कि उन्होंने लेखपाल संघ ने एक उन पर आपत्ति जताई थी कि साहब हम कैसे ये जाहिर करें कि नीकर कौन है, धनगर कौन है, तो मुजफ्फरनगर का जो सर्टिफिकेट जारी हुआ उसमें कुछ बिंदु ऐसे आए जिनके आधार पर ये तय कर दिया जाएगा कि जैसे कि पड़ोसी के द्वारा या किसी अदर जाति के द्वारा, और हम लोगों से जो अभी जो मीटिंग में ये बात हुई उसमें ये भी कहा गया कि यदि हमारी आप गोत्र की वंशावली ले ली जाए, और जो बहुत पुराना एक प्रचलन चला है कि यदि गांव के ब्राह्मण होता है जो शादी ब्याह कराता है वो गोत्र का शादियों में उच्चारण कराता है, तो ब्राह्मण जो उस गांव का या मौजे में शादी कराता है तो उसको पता रहता है कि इनकी वंशावली धनगर चली आ रही है। तो ऐसे बहुत से बिंदुओं को उसमें शामिल किया जाएगा। लेखपाल जो आज धोखा दे रहे हैं या प्रशासन SDM महोदय को ये कह रहे हैं कि हम किन बिंदुओं को, वो आगे शायद है वो ऐसा ना करें। लगता है कि बनेंगे? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा आश्वासन है, बनेंगे। यदि ऐसा नहीं होता है तो धनगर समाज उग्र रूप इससे भी बड़ा आंदोलन करने के लिए तैयार है। बिल्कुल, आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं धनगर समाज के लोग और खास करके धनगर समाज संघर्ष समिति का आज धरना प्रदर्शन था, और जिस तरीके से एक तरफ क्रांतिकारी रूप से ये लोग लगे हुए थे जो धनगर समाज संघर्ष समिति के लोग हैं, भगत सिंह के तरीके से लगे हुए थे, भगत सिंह की तरह से पूरा आंदोलन चला रहे थे, और दूसरी तरफ कहीं ना कहीं गांधीवादी तरीके से जो JP धनगर हैं वो अभी भी मैदान में डटे हुए हैं कि अगर पूरी तरह से प्रशासन उनको आश्वस्त करेगा कि प्रमाण पत्र जारी होंगे तभी वो हटेंगे। अब देखने वाली बात ये होगी कि प्रशासन का रुख आगे धनगर प्रमाण पत्र को लेकर क्या रहता है। कैमरे के पीछे RN बघेल, मैं करतार सिंह बघेल, अर्थ न्यूज।